फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में मीडियम क्लास के नागरिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपए तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। अब तक 5 लाख रुपए से ज्यादा पर इनकम टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है। तो आइए अब जानते हैं कि नया टैक्स स्लैब आखिर होगा कैसा। जिनकी इनकम 3 लाख होगी उन्हें 0% टैक्स देना होगा, जबकि जिनकी 3 से 6 लाख होगी उन्हें 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख वालों को 10%, 9 से 12 लाख वालों को 15%, 12 से 15 लाख वालों को 20% और 15 लाख से ज्यादा वालों को 30% टैक्स देना होगा। अब पहले ये जान लेते हैं कि आखिर पिछले बजट में टैक्स को लेकर क्या हुआ था। 2022 के बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था, ना तो उसमें राहत दी गई थी और ना ही आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाया गया था। जब वित्त मंत्री से इस बाबत पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं करना ही नौकरी पेशे लोगों के लिए एक बड़ी राहत देने की तरह है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने ना तो पिछले साल ना ही इस साल इनकम टैक्स के नाम पर एक भी पैसा बढ़ाया है, यानी ये भी एक तरह से किसी राहत से कम नहीं है। जबकि साल 2014 के बाद से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि 2020 में सरकार ने नई टैक्स प्रणाली पेश की थी। इसमें आमदनी के हिसाब से टैक्स का अलग अलग दायरा तय किया गया था, लेकिन टैक्स पेयर्स पर इसे अनिवार्य नहीं किया गया था। उन्हें छूट दी गई थी कि वे दोनों में से किसी भी एक प्रणाली का इस्तेमाल कर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मौजूदा टैक्स का दायरा भी क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स अभी नहीं लगता है, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगता है, जो कि अब भी 5% ही रहेगा, और 5 लाख से 7.5 लाख तक 20% लगता है, 7.5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 30%, जबकि 12.5 लाख से 15 लाख तक भी 30%, और उससे अधिक पर भी 30% ही इनकम टैक्स लगता था पुराने टैक्स के मुताबिक। जबकि नए टैक्स में ये स्लैब बदल दिया गया है, जो कि हम अभी आपको पहले ही बता चुके हैं। मौजूदा वक्त में 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स वाले व्यक्ति को पुराने और साथ ही नई प्रणाली के तहत दोनों धाराओं में 87A के तहत 12,500 रुपए तक की छूट का लाभ मिलता है। मतलब ऐसे लोग जो 87A के तहत अलग अलग निवेश दिखाकर आयकर से छूट हासिल कर लेते हैं, तो ऐसे में 5 लाख रुपए तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। जबकि इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने कई ऐलान किए हैं। लोगों के इस बार के बजट में इनकम टैक्स को लेकर भी राहत देने की उम्मीद थी, जिसमें निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-2024 में इनकम टैक्स को लेकर भी अहम ऐलान किया। हालांकि इसे बजट का चुनावी रंग भी कहा जा रहा है। बाकी इस ऐलान के बाद लोगों को राहत मिलेगी ये तय है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।